जबकि दूसरी जानब आपको बताते चलें कि पंजाब फूड अथॉरिटी की सूबे भर में देसी घी और खोया यूनिट्स की चेकिंग की गई है, जिसके नतीजे में नाकस इंतजाम पर 12 सील किए गए और चार के प्रोडक्शन इस लाख तक बंद कर दी गई। जी हाँ, नाकस इंतजाम पर 27 को जुर्माना भी किया गया है। मामूली नकाइस पर 164 यूनिट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 1000 किलो खुश्क पाउडर और 200 किलो बनस्पति घी भी बरामद किया गया। 100 किलो मिलावटी खोया और 50 किलो सूजी और भारी मिकदार में केमिकल बरामद कर लिया गया है। लाहौर में 130 और रावलपिंडी में 23 प्रोडक्शन यूनिट्स को चेक किया गया, जबकि मिलावटी खोए का इस्तेमाल मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस बन सकता है। मोहम्मद उस्मान की जानिब से यह भी बताया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी कहते हैं कि आवाम बाजार की निस्बत घर की बनी अशिया खोरोनोश को तरजीह दें। जी हां, यह हिदायत भी की गई है, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। जबकि दूसरी जानब आपको बताते चलें कि पंजाब फूड अथॉरिटी की सूबे भर में देसी घी और खोया यूनिट्स की चेकिंग की गई है, जिसके नतीजे में नाकस इंतजाम पर 12 सील किए गए और चार के प्रोडक्शन इस लाख तक बंद कर दी गई। जी हाँ, नाकस इंतजाम पर 27 को जुर्माना भी किया गया है। मामूली नकाइस पर 164 यूनिट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 1000 किलो खुश्क पाउडर और 200 किलो बनस्पति घी भी बरामद किया गया। 100 किलो मिलावटी खोया और 50 किलो सूजी और भारी मिकदार में केमिकल बरामद कर लिया गया है। लाहौर में 130 और रावलपिंडी में 23 प्रोडक्शन यूनिट्स को चेक किया गया, जबकि मिलावटी खोए का इस्तेमाल मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस बन सकता है। मोहम्मद उस्मान की जानिब से यह भी बताया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी कहते हैं कि आवाम बाजार की निस्बत घर की बनी अशिया खोरोनोश को तरजीह दें। जी हां, यह हिदायत भी की गई है, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। जबकि दूसरी जानब आपको बताते चलें कि पंजाब फूड अथॉरिटी की सूबे भर में देसी घी और खोया यूनिट्स की चेकिंग की गई है, जिसके नतीजे में नाकस इंतजाम पर 12 सील किए गए और चार के प्रोडक्शन इस लाख तक बंद कर दी गई। जी हाँ, नाकस इंतजाम पर 27 को जुर्माना भी किया गया है। मामूली नकाइस पर 164 यूनिट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 1000 किलो खुश्क पाउडर और 200 किलो बनस्पति घी भी बरामद किया गया। 100 किलो मिलावटी खोया और 50 किलो सूजी और भारी मिकदार में केमिकल बरामद कर लिया गया है। लाहौर में 130 और रावलपिंडी में 23 प्रोडक्शन यूनिट्स को चेक किया गया, जबकि मिलावटी खोए का इस्तेमाल मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस बन सकता है। मोहम्मद उस्मान की जानिब से यह भी बताया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी कहते हैं कि आवाम बाजार की निस्बत घर की बनी अशिया खोरोनोश को तरजीह दें। जी हां, यह हिदायत भी की गई है, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है।